हेलो गाइस, तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉलेज के प्रतिभागी किस तरह से आज स्पोर्ट्स मीट में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, तो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लाइक और जो कमेंट होते हैं उसमें कंजूसी करते हो, क्योंकि वहाँ पे व्यूज़ तो ज़्यादा आ जाते हैं परंतु जो लाइक और कमेंट है उसमें थोड़ी कमी है। ऐसे तो नहीं होता है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह से जो शिक्षक साथी है तैयारियाँ कर रहे हैं आज के स्पोर्ट्स मीट के लिए। यहाँ पे देखिए स्टेज डेकोरेट किया जा रहा है वहाँ पे। ये अपने हरीश सर, माय फेवरेट सर। तो दोस्तों बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस तरह की जो प्रतियोगिता करवाई जा रही है उसके बारे में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो दोस्तों वहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से जो प्रशिक्षक साथी है वो स्टेज को सजा रहे हैं। देखिए ये टोपी वाले अपने धर्म सर, जो अपने हाउस के इंचार्ज है धर्म सर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो मार्च पास की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले जो आज स्पोर्ट्स मीट की स्टार्ट होगी वो मार्च पास की तैयारियों के साथ होगी। ये सभी हाउसेज अपने जो हाउस लीडर है उनके सामने खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे हमने स्टेज भी डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे फ्लैग, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो दूसरे वाले टूर्नामेंट होते हैं उसकी तरह फीलिंग आ रही है। तो गाइस यहाँ पे जो मैचेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो जो ये है अपना एयर हाउस, वहाँ पे है फायर हाउस और एयर हाउस के बीच मैचेज हो रहे हैं। ये अपना भारद्वाज शिक्षण संस्थान, कितना उत्साह दिख रहा है, अच्छा जो नजारा है। परंतु आज गर्मी बहुत है तो देखते हैं शाम तक कैसे टिक पाते हैं यहाँ पे। दोस्तों अब अर्थ हाउस और स्काई हाउस के बीच मैच हो रहा है। यहाँ पे देखा आपने मंटी सर ने किस तरह से सर्विस निकाली। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ देखो दिनेश सर का शॉट, इसे ही ले जाने जाते हैं बड़े दिनेश सर, डायनामाइट के प्लेयर है। स्काई हाउस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है गेम को अपने पल्ले में लेने के लिए। बाकी तो भी फर्स्ट सेट है वो अर्थ हाउस ने जीत लिया है, बाकी अब देखते हैं कि कौन जीतता है। मेरे को तो लग रहा है कि अर्थ हाउस ही जीतेगा। यहाँ पे देखिए बंटी से और शॉट की कोशिश, अभी देखते हैं दोबारा से बंटी सर, दिनेश सर। तो देख सकते हो आप ये जो अर्थ हाउस वाले हैं ये स्किल्ड जो प्लेयर लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप जो स्काई हाउस वाले जो किस तरह से इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप मैम स्लाइस भूल गया, स्लाइस नहीं जोड़ा आपने। तो गाइस ये अपने हमारे वाटर हाउस की
एक सदस्य है अब हमारे हाउस की होटल वाले होटल लेके आई है लड़कियों की। यहाँ पे देखिए अपनी तरफ से तो लड़कियाँ पूरी कोशिश कर रही है, पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हर तरह जीत जाएगा क्योंकि वहाँ पे अच्छे प्लेयर हैं। कोशिश तो हमारे हाउस की जो गर्ल्स है वो अच्छी कर रही है, तो हमारा वाटर हाउस की गर्ल है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने जो दूसरे से प्लेयर है तो अच्छी थी, परंतु क्या कर रही है कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वाटर हाउस वाले उन्होंने गुब्बारी नहीं दी और यहाँ पे एक पॉइंट आगे चला गया, एक या दो पॉइंट आगे चला गया है। तो देखिए यहाँ पे और खेलते रहो और हमारे बीच आके कि मैं हो शांत है जाने मारे। यहाँ पे देखिए किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक और पॉइंट 16 हो गया है, दूसरी साइड है 13। पहले तो मेरे को उम्मीद नहीं थी परंतु अब लग रहा है कि जीत जाएंगे। तो गाइस हमारी जो गर्ल्स है वो जीत के लिए हमारे हाउस की, तो बहुत ही संघर्ष वाला जो मैच रहा है इनका। तो यहाँ पे चेक पॉइंट दोनों के आ रहे थे पर लास्ट में हमारी हाउस की जीत गई। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से उत्साह दिख सकता है हमारे हाउस के जो सदस्य है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइस पहले मेरे को नहीं लगा कि ये जीत पाएंगे क्योंकि जो पहले का मैच था इनका जो पहला सेट था उसमें ये कुछ स्टार्टिंग में अच्छा नहीं खेले, परंतु लास्ट में जब खेला तो इन्होंने बहुत ही आई एम सॉरी बाबू सॉरी दोस्तों अच्छा खेला अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक मैच दोनों टीमों ने जीते थे, इस कारण से अब इनके बीच तीसरा सेट होगा 15-15 पॉइंट के बीच, जो जीतेगा वो जीत जाएगा। बाकी देखिए तो गाइस जो अर्थ हाउस वाले है वो 2 पॉइंट से जीत गए, परंतु फिर भी जो मुकाबला था वो बहुत ही संघर्ष वाला था। तो यहाँ पे देखिए ये कुलदीप सर है मेरे दोस्त, हम यहाँ से अर्थ और एयर हाउस का जो गर्ल्स खो खो का मैच है उसका नज़ारा देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ। यहाँ पे देखिए सारे 6 साथी, वैसे तो हम यहाँ बैगों को सही करने आए थे क्योंकि ये यहाँ से गिर चुके थे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे कुलदीप सर है वो यहाँ से कमेंट्री कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए जो ये एयर हाउस वाले थे इनका केवल एक ही खिलाड़ी आउट कर पाए हैं अर्थ हाउस, और अब देखते हैं कि जो अर्थ हाउस वाले हैं उनके कितने प्लेयर आउट होते हैं। तो दोस्तों आप इधर उधर भी देख सकते हो पूरी तरह से जोश भरा है दर्शकों में भी। यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे देखिए जो कुलदीप सर का हाउस है एयर हाउस, वो उन्होंने जो है 2 बंदों को आउट कर दिया है, तो इस तरह से वो जीत जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो कुलदीप सर का एयर हाउस है वो जीत चुका है, उन्होंने जो है अर्थ हाउस की लड़कियों को हरा दिया है। भाई जो हमारी अर्थ हाउस की है उसकी 2 प्लेयर आउट हो चुके हैं, अब देखते हैं कि और कितने प्लेयर आउट हो गए। Thank you.
जो ये नक्स में हमें ये वॉलीबॉल भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, और अब यहाँ पे जो खो खो में दौड़ रहे हैं, अच्छे तरीके से दौड़ रहे हैं। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं पूरे गाइस। हमारे हाउस की गर्लों ने 3 फायर हाउस के गर्लों को आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट बस आई है, और यहाँ पे चौथा जो प्लेयर है उसको भी आउट कर दिया गया है हमारे हाउस के द्वारा। अब टाइम अप हो गया है, तो भाई जो ये सेकंड हाफ होगा, इसके बाद सीनियर बॉयज़ और जूनियर बॉयज़ के बीच खो खो का मैच होगा, क्योंकि जो ग्रुप में बॉयज़ की संख्या है वो बहुत कम है, क्योंकि लड़के बाद में पढ़ते नहीं है, वो इधर उधर काम करने चले जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो बी एड में बहुत ही कम लड़के हैं, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, उस वजह से सीनियर और जूनियर बॉयज़ का मैच होगा। तो गाइस जो सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, अब देखते हैं कि जो ये फायर हाउस वाले हैं वो कितने गर्ल्स को आउट कर पाते हैं। तो दोस्तों जो वाटर हाउस है वो जीत गया है, क्योंकि उनका फायर हाउस वाले एक ही रनर को आउट कर पाया है, इस वजह से जो मेरा हाउस है वाटर हाउस वो जीत गया। तो आप देख सकते हो वहाँ पे सीनियर और जूनियर मैच खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वे ग्राउंड में उपस्थित हो चुके हैं, वहाँ पे देख सकते हो आप। जो जूनियर और सीनियर खो खो का मैच है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जो हंसराज जी है उन्होंने एक सीनियर को आउट करा दिया है। इनका मैच बहुत ही रोमांचक है, और वहाँ पे आप दर्शक को देख सकते हैं किस तरह का रोमांच उनके चेहरे में देखने को मिल रहा है। वहाँ पे सोमनाथ ने एक और प्लेयर को आउट कर दिया है, और यहाँ पे एक और तीन रनर आउट कर दिए गए हैं। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लास्ट बचा है थर्ड रनर में से, तो दोस्तों यहाँ पे अब फोर्थ रनर आ गया है फोर्थ नंबर के। तो गाइस अब आप देख सकते हो जो हमारे जूनियर है वो रनिंग के लिए तैयार है, अब देखते हैं कि जो हमारे सीनियर है वो कितने रनों को आउट करते हैं, वहाँ पे देख सकते हो आप। तो गाइस जो हमारे सीनियर है वो अभी तक केवल एक ही रनर को आउट कर पाए है, बाकी देखते हैं। देखो देखो गाइस मेरे को लगता है कि जो हमारे जूनियर है वही जीतेंगे मैच को, क्योंकि अभी तक जो हमारे सीनियर है वो केवल एक ही आउट कर पाया है, बाकी देखते हैं कि कौन जीतते हैं। तो अब मैं अपने दूसरे यूट्यूबर से पूछूंगा कि उनको क्या लगता है कि सीनियर और जूनियर में से कौन जीतेगा। सीनियर जीतेगा, तो मैम अभी तक क्या, अभी तक तो सिर्फ दो ही कर पाया हूँ। तो भाई जो सीनियर है उन्होंने जो ये सेकंड हाफ था इसमें बाजी मार दी है, तो इस वजह से जो हमारे सीनियर है वो खो खो का मैच जीत चुके हैं। वहाँ पे देख सकते हो आप वो किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं।
या फिर जैसे आपका जो इसका एक्सपीरियंस है वही का कैसा रहा जी सर? सर आज का जो स्पोर्ट्स मीट था बहुत ही अच्छा था, लड़कियों द्वारा खासकर बहुत ही अच्छा खेला गया आज का। तो जो जीती हुई टीम्स हैं उनका मैच जो है कल होगा, जैसे हमने भी एक वॉलीबॉल का मैच जीता हुआ है, एक मैच का जीता हुआ है 13 तारीख यानी कल, उनका मैच कल होगा, जैसे फाइनल कल होगा। तो कल देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे देखा है तो आज का मैच बहुत ही अच्छा था, सभी ने बहुत अच्छा खेला, खासकर गर्ल्स लड़कियों का। वो देखो वो एक था वाटर, दूसरा कौन सा था? उन्होंने बहुत अच्छा खेला, सोनाक्षी मैम मेरे को बहुत अच्छा खेला, उन्होंने वाटर हॉल से बहुत अच्छा खेला, और हॉल से वंदना की बंधु प्रोमिता मैम का नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। क्लैपिंग करना चाहूँगा वैसे। तो देखते हैं फाइनल के मैच तो और भी ज़्यादा, कल देखी जाएगी अपनी, कल क्या होगा गाइस। ये थे अपने कुलदीप सर। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है मैं यही समाप्त करता हूँ, और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी टीमें क्या हाउस है मैच को, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो वीडियो है उसमें कमेंट जरूर करें।